स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी के इस थीटा बैच में। और इस थीटा बैच में साइन थीटा कॉस थीटा आता है, इसीलिए इसका नाम थीटा बैच है। और इसमें हम लोग बहुत ही मजेदार तरीका से फॉर्मूला के ट्रिक को लेकर के आए हैं। अगर आपको कभी याद करना हो साइन 30 कॉस 30, साइन 60 कॉस 0, ये सब जितना भी आता है कन्फ्यूजन आ जाता है कि किसका मान रूट थ्री होगा, किसका मान 1/√3 होगा। लेकिन इस ट्रिक से आपको 1% टेंशन नहीं लेना है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस में देता है साइन 60 का मान कितना हुआ, टेन 60 का मान कितना हुआ, ये सब एकाएक डायरेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप फॉर्मूला रटे होंगे तो आपके दिमाग में मिक्स हो गया होगा, आप मतलब चावल दाल सब्जी जिस तरीके में मिक्स हो जाता है वैसे ही मिक्स हो जाता होगा, और फिर क्या आंसर बोलना है समझ में नहीं आता। लेकिन इस बार आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझिएगा और आपको 1% डाउट नहीं रहेगा। इसके हम लोग दो ट्रिक जानेंगे। पहला ट्रिक जो यहां पे बोर्ड पे हम दिखा चुके हैं वो समझा दे रहे हैं कैसे क्या होता है। दूसरा ट्रिक डायरेक्ट मेथड है, उससे बिना आपको क्या करना है, डायरेक्ट ये डायग्राम पूरा का पूरा ये बना सकते हैं आप, ठीक है, पूरा भर सकते हैं। तो यहां हम लोग ध्यान से इसको देखते रहिए और अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। इसके लिए आपको कहना नहीं पड़े। यहां देखिए क्या हो रहा है, यहां क्वेश्चन 45 डिग्री के लिए ये ट्रिक है, समझिएगा, यानी 45 डिग्री ये वाला है, इसके लिए ये ट्रिक है, और 30 और 60 के लिए यानी इस दोनों के लिए, ठीक है, ये वाला ट्रिक काम करेगा। पता है 0 और 90 का ट्रिक अभी क्यों नहीं बताएं, क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला आता है। कन्फ्यूजन कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको समझाना है इसमें। यहाँ देखिए 45 डिग्री के लिए सिर्फ ये फॉर्मूला है, कुछ भी पूछे साइन 45 कॉस 45 टेन 45 कॉसेक 45 सेक 45, ठीक है, कॉट 45, 6 का 6 में से किसी में 45 का पूछे, ये ट्रिक है। याद रखिएगा ये दोनों जगह क्या डाल देना है, 45 डाल देना है। अब बताइए कि किसी त्रिभुज में जब दो कोण बराबर हो तो दो लाइनों बराबर होगा ना, तो जब ये इसको 1 मानेंगे तो इसको भी क्या मानना पड़ेगा, 1, और ये होगा √2। बस इतना आपको याद रखना है, जब ये 1 ये 1 तो ये क्या हो जाएगा, रूट। अब भर के देख लीजिए, साइन 45 डिग्री, ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, लंब क्या है 1 और कर्ण क्या है √2, तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है, ठीक है। इसको भी आप दो ग्रुप में बांट सकते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि साइन कॉस टेन इन तीनों का उल्टा ये तीनों होता है, ठीक है, साइन का उल्टा ये हो जाएगा, ये फर्स्ट ग्रुप का समझ लो, कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। और वैसे भी कॉस का आपको याद रह भी सकता है, एक में बोलो कॉस सेक, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, याद रखना है, ये नहीं कि कॉसेक का उल्टा सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, यानी इसका एक नंबर, इसके एक नंबर का उल्टा, इसका दो नंबर और इसका तीन नंबर। साइन 45 समझ गए। अगर कॉस 45 निकालना हो तो कॉस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार 1 है और कर्ण क्या है, √2 है, ठीक है, वैसे ही टेन थीटा, तो टेन 45 डिग्री का कोई मान पूछ दिया तो क्या कीजिएगा, ये याद आप इतना दिमाग में जरूर रख सकते हैं कि 1 है 1 है, दोनों बराबर होगा, क्योंकि दोनों जगह क्या है 45 है, और ये तो 90 डिग्री होता ही है, इसमें एक फिगरे बनता है जो सब 90 डिग्री होगा, ठीक है। टेन 45 होता है लंब बट्टा आधार, तो लंब भी उतना ही और आधार ही उतना ही, तो 1/1 डायरेक्ट लिखिए 1, ठीक है। साइन 45 वाला ये वाला लाइन है, कितना है 1/√2, ये भी है 1/√2, और ये क्या है, सिर्फ 1 है, हो गया 45। आप तो जानते हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो इसको उल्टा कर दीजिए, √2 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, इसको भी उल्टा कर दीजिए, √2 चला जाएगा ऊपर 1 आ जाएगा नीचे, और 1 का उल्टा तो 1 होता है, क्योंकि हर नंबर के नीचे बट्टा 1 छिपा रहता है। कोई पूछेगा बताइए ये नंबर बट्टा में है, तो बोलेगा हाँ ये भी नंबर बट्टा में है, क्योंकि इसके पीछे क्या, नीचे क्या छिपा है, 1 छिपा है, ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक बट्टा है, ठीक है, ये भी एक रेशनल नंबर है, जिसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या आप जानते ही हैं। यहाँ देखिए, लेकिन नीचे 1 लिखते नहीं है, इसको हम लोग मिटा सकते हैं, इसको जब पलटेंगे तो नीचे तो 1 आएगा, लेकिन आप मिटा दीजिए, क्योंकि 1 नीचे लिखा नहीं जाता है। 45 वाला हो गया, इसका कहानी खत्म। अब देखिए, हमको अगर 30 और 60 वाला निकालना हो तो यहाँ देखिए, तो पहले साइन 30, फिर कॉस 30, फिर टेन 30। यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर, इससे ये कैसे याद कीजिएगा, 1, इसके नीचे भी 1, ये दोनों 1 याद रखिएगा, नीचे तो इसमें भी 1 होगा, तो नीचे तो 1 याद रहेगा, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ √2 था, क्योंकि 45 वाला में √2 सिर्फ आता है, ठीक है, और इसमें 2 आएगा, √3 आएगा, 1, 2, √3 एकदम ऐसे चलेंगे, 1, 2, √3, यहाँ 30 होगा तो यहाँ 60 होगा, ठीक है, और ये तो 90 होगा ही। साइन 30, वैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण,
यही ना होता है, लेकिन 30 है तो 30 के लिए लंब का होगा, इसके लिए लंब क्या होगा, तो जिसका बात करते हैं लंब देखने के लिए उसके सामने देखते हैं, तो 30 के सामने से एक लाइन खींची, ये वाला लंब हो जाएगा, सामने वाला क्या होगा लंब, कर्ण कहाँ चेंज होता है, कर्ण दो ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 1/2 लंब बटा कर्ण 30 के लिए, कॉस 30 तो होता है ये आधार और बटा में कर्ण, ठीक है, तो बताइए 30 ये है, 30 के लिए आधार कौन होगा, सामने वाला लंब, तो उसी के पास में आधार छिपा रहता है, ठीक है, तो 30 के पास में है √3 आधार, अकर्ण तो कभी चेंज नहीं होगा, √3 वैसे ही क्या है यहाँ पे 10 30, क्या होता है फॉर्मूला लंब बटा आधार, तो बताइए तो 30 के लिए सामने वाला लंब होता है ना, तो 1 और बटा आधार क्या हो जाएगा √3, तो साइन 30 आया आपका 1/2, कॉस 30 आया आपका √3/2, ठीक है, और 10 30 आया 1/√3, अब बस ये तीनों का उल्टा, ये तीनों है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जब 1/2 दिमाग में आया तो 2/1 हो जाएगा, अब 1 नीचे नहीं लिखते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा √3/1, लेकिन आपको बताया था ना नीचे कहीं भी देखिएगा 1 हटा दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, नीचे 1 नहीं लिखते, बस छिपा रहता है, हो गया, और वैसे ही एज इट इज सेम टू सेम, ठीक है, क्या होगा 60 वाला भी होगा, यहाँ स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, तो यहाँ पे 60 वाला का बात करते हैं, साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री और टेन 60 डिग्री, ये तीनों साइन 60, वैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो सामने वाला 60 के लिए क्या होगा, ये तो लंब होगा ये कर्ण होगा, तो क्या हो जाएगा √3/2, कॉस 60 होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा 2, 1/2, टेन थीटा हो जाएगा लंब बटा आधार, तो √3/1, यहां देखिए क्या हो जाएगा साइन 60 हो जाएगा √3/2, ठीक है, यह देखिए कॉस 60 1/2 और टेन 60 √3/1, लेकिन 1 नीचे नहीं लिखते हैं, क्या लिखे हम इसको पलट दीजिए, ठीक है, जब पलटिएगा तो ये तीनों का हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 1/2, तो हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे क्या हो जाएगा 1, और इसका वैल्यू होगा क्या, इसका √3 तो हो जाएगा 1/√3, इसको हम पलट दिए, देखिए ये तीनों का उल्टा, ये तीनों है 2/√3 ये ऊपर, लेकिन नीचे हम लोग 1 नहीं लिखते हैं, हो गया 30 और 60 का हो गया, तो उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा, लेकिन आपको ये वाला फिगर आपको याद रखना है, 1 1 है, 2 है 2 है लेकिन रूट में है, और यहाँ पे 3 है यहाँ पे 1 है, तो ये 45 के लिए बस ये फिगर दिमाग में होना चाहिए, और ये 60 के लिए, थोड़ा सा इस फिगर को समझिएगा, ठीक है, इसको हम मिटा दें यहाँ पे, यहाँ समझिए इस फिगर में हम लोग बनाएंगे ऐसे ही, ये ठीक है, यहाँ नीचे तो 1 रहेगा ही, सब में 1 है तो नीचे सब में 1 रहेगा, लेकिन अंतर रहता है कि जब ये 90 डिग्री होगा यहाँ भी 90 डिग्री, ये ट्रिक है, दिखने में ये 90 डिग्री नहीं दिख रहा है, कोई भी गलत काट सकता है कि यहाँ संभव ही नहीं है कि 90 डिग्री हो, क्योंकि दो कोण मिला करके 180 डिग्री हो जा रहा है, जबकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, कोई दिक्कत नहीं, हमको ट्रिक सीखना है ना, हमको किससे मतलब है, याद रखने से, और हमको आपके नंबर से मतलब है ना, कि बहुत बेहतरीन नंबर कैसे आएगा, बहुत बेहतर आप कैसे करेंगे, तो बस यहाँ देखिए 1, ठीक है, यहां भी 1 डालिए और यहां 0 डालिए, यही ट्रिक है इसका, ठीक है, यहां भी 1, यहां भी 1 और इधर क्या डालना है 0, अब कोई भी निकालिए फॉर्मूला, 0 हो या फिर क्या हो 90 हो, एनी हाउ आएगा, एक निकाल के दिखा रहे हैं साइन 0, ठीक है, और यहां पे निकाल रहे हैं साइन 90, देखिए यहां पे साइन 0 डिग्री, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, और 0 के लिए इसके लिए लंब कौन होगा सामने वाला लंब, और कर्ण कौन होगा 1, 0 में 1 से डिवाइड कीजिएगा तो 0 ही आंसर है, यानी साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 हो जाएगा, ठीक है, आते हैं साइन 90 भी देखते हैं, साइन थीटा बराबर आप तो जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है, लेकिन 90 ये क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, लिख दे रहे हैं इसमें 90 के लिए लंब कौन होगा, इसके लिए ऊपर वाला के लिए लंब कौन, तो ऊपर वाला से डायरेक्ट नीचे देखिए सामने, तो ये हो जाएगा लंब 1, और कर्ण कौन होगा 1, तो 1/1 क्या होता है 1 ही होता है, तो यहाँ पे साइन 90 क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण हो जाएगा, यानी साइन 90 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए cos 0 क्या होगा, तो cos 0 यहाँ पे होता है आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार क्या है 1 है, और कर्ण क्या है
कर्ण भी वन है, तो ये वन हो जाएगा, कॉस जीरो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कॉस नब्बे देखिए, कॉस नब्बे होता है आधार बटा कर्ण, तो नब्बे के लिए आधार हो जाएगा जीरो और कर्ण कौन हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो जीरो बटा वन कितना होता है यहाँ पे, सॉरी जीरो बटा वन जीरो होता है, तो ये हो जाएगा जीरो। अब यहाँ देखिए टेन जीरो, टेन जीरो क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब क्या है जीरो और आधार है वन, तो जीरो में जीरो से ये सब जीरो हो जाएगा। और वैसे ही यहाँ पे लिख सकते हैं आप टेन नब्बे डिग्री, क्या होता है टेन नब्बे लंब बटा आधार होता है, तो नब्बे के लिए पूछा गया, तो नब्बे के लिए सामने वाला लंब हो जाएगा एक और बट्टा में हो जाएगा जीरो, तो ये हो जाएगा आपका जीरो। तो टेन जीरो यहाँ थोड़ा सा ये समझिएगा, नब्बे के लिए सामने वाला हो जाएगा लंब वन और बट्टा में क्या हो जाएगा जीरो। आ एक चीज़ तो आपको बताना भूल ही गए कि नीचे कभी जीरो होता ही नहीं है। ये मत कहिएगा कि आप तो जानते हैं कि जीरो में किसी चीज़ से गुणा करो तो जीरो होता है और भाग करो तो भी जीरो होता है। नहीं बाबू, नीचे अगर जीरो आया तो उसका आंसर कुछ नहीं होता है, उसको बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। यहाँ लिखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन जीरो तो जीरो हो गया लेकिन ये हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, और इन्हीं तीनों का उल्टा क्या हो जाएगा, ये वाला पुट कर सकते हैं। ये वाला कैसे पुट कीजिएगा, यहाँ जीरो है इसके नीचे क्या छिपा रहेगा, वन। जब इसको पलटिएगा तो एक चला जाएगा ऊपर, जीरो आ जाएगा नीचे। और जब भी कभी जिंदगी में जीरो नीचे देखिएगा तो उसका डायरेक्ट अपरिभाषित, उसका कोई है ही नहीं। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। जैसे ही नीचे जीरो आया अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित यहाँ लिख लीजिएगा। एक का उल्टा तो एक ही होता है, एक क्योंकि एक छिपा रहेगा पलटिएगा वही होगा, ये भी जीरो है ना, पलटने पर क्या हो जाएगा, ये एक ऊपर चला जाएगा जीरो नीचे, तो ये भी हो जाएगा अपरि, ऐसे और लिख के डॉट दे रहे, अपरिभाषित हो जाएगा। यहाँ भी देखिए तो एक का उल्टा तो एक ही होगा, जीरो है नीचे आएगा तो अपरिभाषित, लेकिन यहाँ अपरिभाषित का उल्टा क्या होता है, क्योंकि इसका टेन का उल्टा कॉट होता है ना, तो अपरिभाषित का उल्टा क्या होगा, अपरिभाषित कैसे आया है, जब एक बट्टा जीरो था नीचे जीरो था तो क्या आया है, अपरिभाषित आया। तो एक काम कीजिए, इसको अपरिभाषित बोलते हैं एक बट्टा जीरो को, इसको जब पलटिएगा तो जीरो चला जाएगा ऊपर, वन आ जाएगा नीचे, और वन में जीरो से भाग दिएगा तो जीरो हो जाता है। ठीक है, नीचे वन का टेबल होता है इसीलिए वन से भाग लग सकता है, लेकिन अगर नीचे जीरो है तो जीरो का टेबल कहाँ होता है, इसीलिए जब भी नीचे आए तो उसका कोई वैल्यू नहीं, अपरिभाषित होता है। तो एक बार उम्मीद करते हैं कि इसको समझ में आया होगा, तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अगर मज़ेदार लगा हो तो अपने भाई बहन फ्रेंड फ्रेंडाइन जो भी है, ठीक है, दोस्त दोस्तानी जिस तरह भी समझो, ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर कीजिए। और फिर हम लोग इसका दूसरा ट्रिक देखते हैं, बिना देर के, मज़ेदार लगा हो तो पूरा इसको फैलाए ताकि किसी को रटने की ज़रूरत नहीं पड़े। और याद रखिए, रटना तो कुछ नहीं है, डायरेक्ट समझना है। ठीक है, तो बिना देर के हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए दूसरा ट्रिक कितना ही आसान और मज़ेदार है, लेकिन एक चीज़ इसमें प्रॉब्लम है, जब भी आपको साइन थीटा साइन तीस कॉस तीस पूछा जाएगा तो आपको पूरा डेटा बनाना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले वाला जो ट्रिक था उसमें आप डायरेक्ट तीस का पूछा जाए तो डायरेक्ट दिमाग में फिगर आएगा ये वाला, ठीक है, जिसमें यहाँ पर क्या होगा तीस और यहाँ पर साठ और यहाँ एक दो और रूट थ्री, ऐसे डायरेक्ट फिगर आ जाएगा। जैसे ही तीस पूछा जाएगा तो यही फिगर याद आएगा। अब पूछा जाएगा कोई साइन तीस कितना होता है, तो साइन थीटा बटा तीस के लिए पूछा गया तो लंब बटा कर्ण, इसके लिए तो यही लंब होगा ना, तीस के लिए एक बटा दो, ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हो। लेकिन इससे है कि पूरा डेटा आप बना सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा रूल क्या है, पहले ये टोटल डेटा ध्यान से समझिए। पहले जीरो होता है, उससे बड़ा होता है इसमें तीस, उससे बड़ा होता है 45 यानी 45, फिर उसके बाद 60 और 90। इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, आप तो जीरो को जानते हैं, सबसे पहले एक काम कीजिए, काउंटिंग शुरू कीजिए जीरो से, जीरो वन टू थ्री और फोर, लास्ट में क्या आया फोर। अब इसी फोर से सब में भाग दीजिए जो लास्ट में है, फोर 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 फोर, इतना समझ आया। और सब पर रूट चढ़ा दीजिए, अंडर रूट, फिर इस पर भी रूट, इस पर भी रूट, इस पर भी रूट और इस पर भी रूट। क्या किए हम, जीरो एक दो तीन चार, फिर चार से भाग दे दिए यहां तक, फिर ये चार से इधर, मतलब एक बार इधर जाना है फिर आना है, चार से भाग देके फिर उधर जाना है, सब पर रूट चढ़ा देना है। ठीक है, ये काम करना है। अब बताइए जीरो में जब आप चार से भाग देंगे तो कितना होगा, जीरो होगा, और रूट अंदर रहेगा तो जीरो का वर्गमूल तो जीरो ही होता है। ठीक है, यहां देखिए
रूट एक बट्टा चार है, तो एक का वर्गमूल निकालिएगा, वर्गमूल समझते हैं, एक को अगर निकालिएगा स्क्वायर से रूट हटा दें, एक का एक ही हो जाएगा और चार का वर्गमूल दो होता है। जब भी रूट रहता है तो वर्गमूल निकालते हैं, इसका क्या हो जाएगा वन बट्टा टू। यहाँ इसको कटाइए, दो दूना चार हो जाएगा, दो एकम दो, दो दूना चार, यानी कि यहाँ ध्यान से समझिए टू बट्टा फोर है, ऐसे है, यहाँ दो एकम दो और दो दूना कितना हो गया चार, अंडर रूट एक बट्टा दो। एक का वर्गमूल तो एक होता है लेकिन दो का वर्गमूल नहीं होता, इसीलिए रूट टू ए रह जाएगा। एक तो निकल जाएगा स्क्वायर करके, क्योंकि एक में एक से गुणा होता है तो क्या हो जाएगा एक ए हो जाएगा, और जो जोड़ा में रहता है वही तो रूट से बाहर आता है, तो ये हो जाएगा वन बट्टा रूट टू। यहाँ देखिए रूट थ्री तो इसका वर्गमूल नहीं होता लेकिन फोर का वर्गमूल टू होता है, ये देखिए फोर वन जा फोर हो जाएगा और वन का वर्गमूल क्या होता है वन होता है, बस हो गया यही। अब इतना जब आ गया आपको इतना, तो क्या किया जाता है इसी को तो अब उल्टा लिख दिया जाता है, ऐसे सीधा लिखे है ना, अब ये वाला फर्स्ट में रहेगा वन, ये वाला हो जाएगा रूट थ्री बाई टू, ये वाला हो जाएगा वन बाई रूट टू, फिर ये वाला, मतलब ये वाला यहाँ पे सेकंड वाला, इसके सेकंड इधर से, तीन नंबर पे इधर से और तीन नंबर पे इधर से बराबर है, इधर से एक दो तीन चार और इधर से एक दो तीन चार, यहाँ पे वही नंबर हो जाएगा, यहाँ जीरो है जो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो साइन और कॉस निकल गया, अब निकालना है टेन, तो एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा और बट्टा में कॉस थीटा, ये तो हमको टेन निकालना है ना, तो साइन और कॉस को बट्टा कर दे, यानी साइन और कॉस इसका वैल्यू है ना ये, इसको बट्टा कर दीजिए, तो जीरो और एक का बट्टा कीजिएगा तो क्या आएगा जीरो ही आएगा क्योंकि नीचे है वन, तो ये जीरो, ये दोनों को बट्टा कीजिए, जब ये दोनों को बट्टा करके इसमें भर दिया जाएगा वन बट्टा टू और रूट थ्री बाई टू, टू से टू हो जाएगा खत्म, तो क्या बचा एक बट्टा रूट तीन बचा, यानी वन बाई रूट थ्री बचा, ठीक है। ये दोनों को बट्टा कीजिए क्योंकि साइन कॉस को बट्टा करने पर टेन मिलता है, ये दोनों को बट्टा कीजिए, क्या बट्टा कीजिएगा तो वन बाई रूट टू और बट्टा वन बाई रूट टू, ये रूट टू से रूट टू खत्म, एक से एक एक ही बार में खत्म, मिला जुला के इसका आंसर कितना आएगा वन आएगा, ठीक है। ये दोनों को बट्टा कीजिए, तो जब ये दोनों को बट्टा, देखिएगा एक चीज, टेन थीटा बराबर ये फॉर्मूला होता है रट लीजिए, ये साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है, ठीक है। यहाँ देखिए रूट थ्री बाई टू और बट्टा में वन बाई रूट टू क्या हो जाएगा वन बाई टू, इससे ये खत्म, सिर्फ बचा ऊपर में रूट थ्री, नीचे वन नहीं लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा रूट थ्री, इसको बट्टा कीजिए तो एक बट्टा जीरो है, और आपको हम बताए थे कि नीचे जीरो देखिएगा तो उसका आंसर कुछ नहीं होता, तो नीचे जीरो यहाँ पे आ गया, तो इसको आंसर लिखेंगे अपरिभाषित, ठीक है, इसका आंसर अपरिभाषित होता है। अब तो सब कुछ हो गया ना, एक ग्रुप ये था, ठीक है, तीन गो का ग्रुप, और ये एक ग्रुप था सेकंड वाला, तो फर्स्ट वाला का उल्टा सेकंड वाला होता है, क्या होता है इसका ये उल्टा होता है, क्या होता है उल्टा अपोजिट होता है, तो यहाँ पे आया है कितना तीन ठोका जीरो आया है, जब जीरो को पलटिएगा तो क्या आ जाएगा अपरिभाषित, ये याद रखिएगा, अभी यहाँ पे अपरिभाषित बताए थे, जीरो है और हर चीज के नीचे बट्टा एक छिपा रहता है, तो बस पलट दीजिएगा तो ऊपर एक नीचे जीरो, और जब भी नीचे जीरो आए तो उसे बोलते हैं अपरिभाषित, ठीक है, ऐसे इसका सिंबल बना सकते हैं। इसको पलटिए, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसिक होता है, ये देखिए इस ग्रुप का पहला वाला इस ग्रुप के पहले वाले का उल्टा, कॉस का उल्टा एक है, यहाँ देखिए कॉस ये एक ही हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा अपरिभाषित, और देखिए डॉट ऐसे दे दे रहे हैं, इसका मतलब क्या समझिएगा अपरिभाषित। यहाँ पलटिए, ये चला जाएगा ऊपर दो और एक आ जाएगा नीचे, लेकिन एक नीचे नहीं लिखते हैं, आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो हटा दीजिए, ठीक है। ये भी पलटिएगा तो टू बाई रूट थ्री, ये पलटिएगा तो रूट थ्री बाई वन, लेकिन वन नीचे नहीं रहता है मत लिखिएगा, ठीक है। फिर इसको पलटिएगा तो रूट टू, नीचे वन आएगा तो नहीं लिखे, इसको पलटिएगा तो रूट टू, नीचे वन आएगा तो नहीं, एक को पलटिएगा तो एक ही होगा, ठीक है। यहाँ देखिए इसको पलटिएगा तो क्या होगा टू बाई रूट थ्री, इसको पलटिएगा तो टू बाई वन, लेकिन कोई फायदा नहीं, और रूट थ्री को पलटिएगा तो वन बाई रूट थ्री। यहाँ आइए, वन को पलटने पर वन, जीरो को पलटने पर अपरिभाषित, लेकिन अपरिभाषित को पलटने पर क्या आएगा अब बताइए, जब नीचे जीरो रहता है तो इसे कहते हैं अपरिभाषित। यहाँ पे क्या आप लिख सकते हैं एक बट्टा जीरो भी यहाँ लिख सकते हैं अपरिभाषित के जवाब में, तो इसको पलटिएगा तो जीरो चला जाएगा ऊपर और वन आ जाएगा नीचे, और जीरो बट्टा वन क्या होता है जीरो होता है, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, आपको फर्स्ट वाला अगर क्लियर हो गया तो फर्स्ट वाला लिख के सेकंड वाला उल्टा सजा देते हैं, थर्ड वाले में भाग कर देते हैं, इस सब का उल्टा नीचे लिख देते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए
और लगा हो मजेदार वीडियो, जबरदस्त वीडियो, शानदार वीडियो, तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त यार सखी सहेली सब में शेयर कीजिए, ठीक है। और अब हम लोग इसके बाद वाला 8.2 बहुत ही मजेदार तरीका से लेकर के आएंगे। आपको इतना आसान त्रिकोणमिति लगेगा कि मतलब 95 के ऊपर आपका आना तय है, ये आएगा ही आएगा, नंबर को लाना नहीं है, छीनना है, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त नंबर आएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।